अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह आज दो नया जानवर सबको दिखाने वाला है। लेकिन सबसे पहले मुर्गियों के लिए दाना डालना है, उसके बाद दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलो जी। और इस तरह भी मैंने थोड़ा सा डाला। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक नया मुर्गी ले गया और ये इसका काद भी काफ़ी छोटा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल है। अभी मैं दूसरा जानवर के पास आया और वो भी दिखाने वाला है, और वो है बिल्ली। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, फुल वाइट कलर में। और आप इस वक्त ये बाहर जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इसको बाहर जाने नहीं देगा क्योंकि बाहर वाला और बिल्लियाँ जो है ना, इसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। सार ऊपर करो। कम अल्हम्दुलिल्लाह एक चिक्स अंडों से बाहर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ग्रे कलर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। क्योंकि कल मैंने ये ट्रे चेंज कर दिया और आज आप लोग के सामने, क्योंकि बच्चा अंडों से बाहर आया तो ये घूम भी सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं है। और इसमें भी बच्चा है, आज हो सकता है इसे भी बाहर आ जाएगा। और ये भी टूटे। इधर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ही देर बाद ये बच्चा इससे इधर से निकालेगा, क्योंकि मैं, और ये चिक जब अच्छा तरफ सूख जाएगा तो यहाँ से मैं उठाएगा। मैंने इसके लिए कटन पहले से रखा हुआ था और इधर ही मैंने शिफ्ट करने का, इसके लिए लाइट का बंदोबस्त मैंने कर दिया क्योंकि इसको ठंडी नहीं लगेगा। तो चलो जी, यहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है। इसका तो अभी तो कोई बच्चा नहीं आया, लेकिन अंडों में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ये भी थोड़ा सा टूटा हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो सकता है आज शाम तक बच्चा बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह अंडों में बच्चे मौजूद है। थोड़ा पहले मैंने चेक किया था, और जो चेक्स का मशीन के बारे में मैंने आप लोगों को मालूम दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आज आप लोग के सामने था। जब सारा बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह, उसका भी मैं वीडियो लेगा आप लोग के लिए। लेकिन सबसे पहले आप लोग को हमारा रिक्वेस्ट है, अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।